आपकी दूसरी सैलरी निकाल दूंगा। अभी ऐड देखते होंगे आप कि दूसरी सैलरी है ना, ऐड आता है वैसा काम करके दे दूँगा, खरीदूँगा। मैंने भाई आपसे नहीं होगा, आप नहीं खरीद पाओगे कि नहीं मैं खरीद लूँगा। उसने मैंने जैसे जैसे बताया ऐसे खरीदना, उसने खरीद लिया। मैं भी ना जो फ्री की एडवाइस होती है वो सोचते हैं बस ये तो ऐसे ही बोल रहा है, इसे पता पुता कुछ नहीं है सर। जितना नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से, और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। क्योंकि कल ही मैंने आपको बता दिया था कि अब इस शेयर में इश्क ही इश्क होगा, क्योंकि रिस्क वाली बात इसके अंदर से हट गई है। फिल्म देखी है सर आपने, हर्षद मेहता वाली, उसमें क्या था सर, रिस्क है तो इश्क है। अब इसके अंदर सर रिस्क है ही नहीं, और बचा क्या है अब इसके अंदर, सिर्फ इश्क। तो मैं आपको एक अलग नज़रिए से ही सर शेयर मार्केट की जो बारीकियां होती हैं वो सिखाने वाला हूं। लेकिन कुछ लोगों को ये बारीकियां नहीं समझनी है, उन्हें तो एक दिन में ही अमीर बनना है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं सर, एक दिन प्रॉफिट आए लेकर बैठ जाओ दोबारे, फिर मत आना इस मार्केट में। अगर आपको एक दिन में अमीर बनना है तो आप एक प्रॉफिट लेके बैठ जाओ, दोबारे क्यों ट्राई कर रहे हो फिर। सर ये एक दिन का खेल ही नहीं है। जिसने मेरी बातों में अमल करके इसे लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से समझा, और बार बार जो मैं बोलता हूँ उसको बारीकियाँ समझी, कहीं आपको इसके अंदर ही करोड़पति वाली निशानी दिख जाएंगी सर, लेकिन वो आप देखना नहीं चाहते। कुछ लोगों ने गिरावट की जो आसार देखकर एकदम उछलकर कमेंट कर दिए, उन्होंने ये नहीं समझा कि जब तक के शेयर गिरता नहीं और तब तक के शेयरों से दूसरे लोग बाहर निकलते नहीं। पर जिनका दिल मजबूत है सर, उनको और मजबूत बनाने में आया हूँ। लेकिन सर मैं उसमें वो संभावना तलाश करता हूँ कि जब मुझे कुछ चीज़ें अच्छी दिख जाती हैं तो मैं उसको दूर तक ले जाता हूँ, और वहाँ तक ले जाता हूँ जहाँ हमें प्रॉफिट आना संभव हो जाए। और उसके बाद कुछ अलग सी चीज़ मुझे पता लगी तो वहाँ पर भी मैं लोगों को आगाह कर देता हूँ, तो उसको भी आपको समझना चाहिए। इसलिए कल जिसने मेरी वोडाफोन आइडिया की वीडियो देखी है, अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिला है। लेकिन सर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कुछ लोगों को ना जो फ्री की एडवाइस होती है वो सोचते हैं बस ये तो ऐसे ही बोल रहा है, इसे पता पुता कुछ नहीं है। सर जितना मैंने इस मार्केट से सीख लिया है ना, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 25 साल लग जाएंगे लोगों को सीखने में, तब भी नहीं आएगा। लेकिन उस नॉलेज को आप लेना नहीं चाह रहे हो, सीरियसली आप इस चीज़ को कुछ लोग लेना नहीं चाह रहे हैं, बाकी 99% तो बिल्कुल मुझे जान चुके हैं कि मैं जो चीज़ उनको कहता हूँ वो आपको अगले दिन दो दिन में ज़रूर से ज़रूर वो होती हुई दिखाई देती है। कभी देखा सर आपने, कोई आप किसी चैनल को देख रहे हैं उसमें नीचे ज्वाइन बटन होता है, उसमें ज्वाइन बटन में जब एंट्री करते हो तो उनकी एक मेंबरशिप होती है, पैसे देने पड़ते हैं। उन्होंने क्यों कराया सर, अब मुझे लगता है कि उन्होंने सही कराया है वो, क्यों, क्योंकि फ्री की चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती है। मैं भी कर सकता हूँ, मेरा भी खुला पड़ा है वो बटन, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा उसे, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि कितने लोग इंटरेस्ट फ्री की चीज़ों से ले रहे हैं और कितने लोग फ्री के ज्ञान को सिर्फ फ्री का ज्ञान ही समझ रहे हैं सर। तो वो मेरी आदत नहीं है पैसे वाली सर, मैं अभी काम से आया हूँ अपने और अब वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पहले काम को मैं प्राथमिकता देता हूँ सर। ये मेरा दूसरा काम है, 3-4 काम है मेरे वैसे, अगर आपको जिस दिन फुर्सत होगी तो एक ब्लॉग चैनल बनाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो सर बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया में मैं आपको एक चीज़ और शोर कर दूं सर, इस कंपनी में अब एक ऐसे पंख लग चुके हैं, उस पंख को कोई भी काट नहीं सकता। इतनी सी मेरी बात आप सुन लेना, भले इसके अंदर दो दिन बाद फिर गिरावट हो जाए, लेकिन जो आज संभावना वोडाफोन आइडिया ने दिखा दी है वो वोडाफोन आइडिया जिंदगी भर भी नहीं दिखा पाया। जो संभावना मुझे आज आइडिया के अंदर दिख गई है वो बड़े बड़े लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, और जो लोग इस चीज़ को देख लेते हैं वो कुछ अलग ही नज़रों से इस मार्केट को समझना चाहेंगे, और वो मैं आपको समझा के रहूँगा कि वोडाफोन आइडिया का सर अब जो फ्यूचर होने वाला है ना, वो इतना बेहतरीन फ्यूचर होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब वोडाफोन आइडिया ने इक्विटी के माध्यम से सरकार को ये देने का निर्णय लिया, और उसके दिन ही वोडाफोन आइडिया में ओवर सर्किट लगते गए,
और जब रॉयल सेलेक्ट लगते गए तो उसके बाद लोग इसके अंदर से बाहर निकल गए। और लेकिन आपको एक न्यूज कल और आई है TTML के द्वारा, उन्होंने क्या कहा है, जो वोडाफोन आइडिया ने करा है हम भी वही करना चाह रहे हैं। तो आज भी आपको TTML में 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। मैंने आपको 3 से 4 महीने पुरानी वीडियो मेरी आप देख लो, जिसमें मैंने कहा था कि ये सरकारी कंपनी मुझे लग रहा है बनती जा रही है, कहीं ना कहीं इसके अंदर सरकार कुछ ना कुछ काम करेगी, वो आपको इसके अंदर हो गया है। और पर्सनली जो मेरे से कॉल करते हैं उनको तो मैंने खुल के ही बता रखा है, क्योंकि मैं हर चीज़ यूट्यूब में नहीं बता सकता, लेकिन मुझे एक संभावना बहुत तगड़ी इसके अंदर दिख गई है, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको, वो अब नहीं बताई जाएगी, क्योंकि सर कुछ चीज़ें होती हैं अब थोड़ी सीक्रेट रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके द्वारा ही अब एक खजाने के रास्ते जो खुलेंगे वो मैं गिने चुने लोगों को ही बताऊंगा, और जो मेरे से वाकिफ़ हैं उनको बताऊंगा सर, क्योंकि हर एक चीज़ बताना YouTube में मुझे लगता है अब संभव नहीं है, क्योंकि निगेटिव कमेंट मुझे कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि ऐसे निगेटिव लोगों को अगर मैं साथ लेता गया तो एक दिन हम ही निगेटिव ना हो जाएं। अब मुझे पॉजिटिव लोग चाहिए, वो पॉजिटिव लोगों की मैं अब तलाश करूंगा। और आज वोडाफोन आइडिया की वीडियो सर बिल्कुल भी आप वोडाफोन आइडिया के ऊपर मत लें, ये एक मैं बता रहा हूं कि मार्केट को आपको किस तरह से करना। एक दो दिन पहले सर, मैं एक 11 साल का लड़का है और एक 3 साल का है, तो 11 साल लड़का है, सर क्या करते रहे तो बैठ के, क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो, आप कहते हो बाय कर लो सेल कर लो। मैंने कहा मैं कुछ ना शेयर खरीद रहा हूँ। कह रहा मैं भी खरीदूंगा। मैंने कहा भाई आपसे नहीं होगा, आप नहीं खरीद पाओगे। कि नहीं मैं खरीद लूँगा। उसने मैंने जैसे जैसे बताया ऐसे खरीदना, उसने खरीद लिया। मैं भी हैरान हो गया, सच में खरीद लिया। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सर, खरीद लिया सर, खरीद तो बच्चा भी लेगा, खरीद तो मेरे 11 साल के लड़के ने भी लिया था, लेकिन उसको क्या पता है इसको कब तक रखना है और कब इससे एग्जिट लेना है, कब इससे प्रॉफिट लेना है और किसमें क्या संभावना हो रही है, ये चीज़ कब आती है सर। ये एक आपको मैंने कहानी के तौर पे बताई है कि बच्चा भी शेयर खरीद लेता है सर, बच्चा भी शेयर खरीद लिया। मेरे लड़के ने 11 साल का, एक लड़का 3 साल का है, उसने भी शेयर खरीद लिए, लेकिन उसको पता क्या आगे करना क्या है, तो इसे तो कोई भी खरीद लेगा सर। उसे रखने का जो तरीका है ना, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। जिस दिन आप डेवलप कर लिया सर, आपकी दूसरी सैलरी निकाल दूंगा। अभी ऐड देखते होंगे आप कि दूसरी सैलरी है ना, एक ऐड आता है वैसा काम करके दे दूंगा सर मैं आपको, अगर आप मेरे से दिल से जुड़ गए सर। एक चीज़ आपको और बता दूं सर, वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आया है, CEO मिस्टर रविंदर टक्कर जी का एक इम्पोर्टेंट नोटिस जो निकल कर सामने आ रहा है, ये भूचाल मचा देगा। लेकिन इसको समझने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से समझना है। उन्होंने कहा है कि सरकार वोडाफोन आइडिया में बोर्ड की सीट नहीं लेगी और कुछ भी इसके अंदर काम करने के दिशा निर्देश नहीं देगी, ना ही वोडाफोन आइडिया को वो प्रतिबाधित करेगी। ये इम्पोर्टेंट नोटिस ही इसके अंदर जान लेके आ रहा है। लेकिन इसको समझने के तरीके, आपको ये मामूली न्यूज लग रही होगी, लेकिन इसको अगर आपने समझा, कभी विस्तार में समझाएंगे तो बढ़िया लगेगा आपको सुनना भी, क्योंकि आपको मैंने बताया ना सर, हर चीज़ अगर यहाँ बता दी गई तो मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग इसकी वैल्यू समझेंगे सर। तो जब भी मैं कुछ चीज़ें आपको बोल रहा हूँ, गंभीरता से उसको समझना चाहिए। मैंने जो भी आज की वीडियो बनाई है, सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए नहीं सर, एक लाइफ के लिए भी आपको बताइए कि आप छोटी मोटी गिरावट से और छोटी मोटी बढ़ावट से खुश आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ये मार्केट वो है जो आपको पता नहीं है, अगर आपको पता लग गया तो फिर वो नहीं होना है जो मार्केट में हो रहा है सर। तो समझिए सर, अपनी सोच को डेवलप करके एक ऐसी सी साइकोलॉजी बनाइए तो आपको गिरिंता के जो निशान मैं देख लेता हूँ वो भी आपको दिखाई देंगे। लेकिन आपको अपना हृदय ऐसा नरम पवित्र करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं है सर। कुछ चीज़ें आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ज़रूर करनी पड़ेगी अपनी लाइफ के लिए और अपने पैसे कमाने के लिए। इतनी सी आप एक बात समझ लो। और एक बात और बोलने वाला हूँ कि वोडाफोन आइडिया में अब आपको गिरावट भी आ जाए ना, घबराने की कोई भी इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। अब ये कंपनी टक्कर देने के लिए तैयार हो रही है। इतनी सी बात आप समझ लेना सर। तो चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।